साउथ की टॉप 5 मूवीज उन लोगों के लिए डेडिकेट है जिन्हें फैमिली ड्रामा एक्शन लव स्टोरी देखना पसंद है और इन्हें देखने के बाद बोलोगे कि आखिरकार मैंने क्यों नहीं देखा और आखिर में इनकी एंडिंग अलग ही लेवल पर जाकर खत्म होती है। और साथ ही इन मूवीज में आपको दिल छू लेने वाली इमोशनल लव स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक इन मूवीज को नहीं देखा तो फिर क्या देखा। 10th में तो गर्लफ्रेंड बना लिया। नंबर 5 पर है बॉय। इसमें देखने को मिलता है कि एक 10 क्लास में पढ़ने वाला लड़का एक लड़की से बेहद प्यार करता है लेकिन वो लड़की दूसरी स्कूल में पढ़ती है लेकिन जब वो लड़की कॉलेज में जाती है तो वो लड़का भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है लेकिन मैथ सब्जेक्ट में कम नंबर की वजह से कॉलेज में एडमिशन होना नामुमकिन है। अब वो कैसे कॉलेज में एंट्री करेगा ये तो आपको मूवी देखकर पता करना होगा। ये आपको यूट्यूब पर और अमेजोन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पर है ओम शांति ओशाना। इस मूवी की तारीफ जितनी करो उतनी ही कम है क्योंकि इसकी स्टोरी और एक्टिंग इंगेज करने वाली है। इसकी कहानी एक पूजा लड़की की और एक पुलिस वाले लड़के की है जो दोनों ही एक गांव में रहते हैं और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है लेकिन इनकी लव स्टोरी को इतने तरीके से बताया गया कि ये आपको बोर नहीं होने देगी और आप इस मूवी को बिफोर यू के यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हो। प्रेमिंचडान के टाइम सपोर्ट ले। नंबर 3 पर आती है ओका लेला कोसम। इस मूवी में नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य और पूजा हेगड़े लीड रोल में। इस मूवी की स्टोरी इतनी इमोशनल है जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। इसमें देखने को मिलेगा कि नंदना और कार्तिक दोनों प्यार करते हैं लेकिन नंदना की शादी पहले से किसी के साथ तय हो जाती है। जब कार्तिक को यह बात पता चलती है तो काफी ड्रामा देखने को मिलता है। यह आपको डिज्नी हॉटस्टार और G5 पर भी मिल जाएगी। मेरी मानो तो ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी इसलिए इसको जरा भी मिस मत करना। It's a beautiful feeling. I'm in love. नंबर 2 पर है सूर्या का यारारा जो कि सूर्या की मूवी है। इसकी कहानी में इतना दम है कि ये आपको रुला भी सकती है क्योंकि सूर्या की एक्टिंग देखोगे तो आपको इंगेज करके रखेगी। जिस तरह से सूर्या अपने पिता से प्यार करते हैं और इस तरह से सूर्या ने एक्टिंग की है वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। बाप और बेटे के रिश्ते को इसमें बखूबी तरीके से दिखाया गया है। ये मूवी आपको यूट्यूब पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। Excuse me, miss. नंबर 1 पर है मिस्टर मजनू। ये तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें अखिल लीड रोल में। अखिल ने इस मूवी में ऐसा जादू बिखेरा है कि सब लड़कियां उसकी दीवानी बन जाती है और उनके साथ मजे करता है लेकिन जब अखिल की मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है तो अखिल उसके प्यार को समझता नहीं फिर वो लड़की उससे दूर चली जाती है। जब अखिल का दिल बेचैन होने लगता है तब अखिल उस लड़की को कैसे मनाएगा ये सब इस मूवी में बताया गया है। ये मूवी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी इसलिए आप इसे भी मिस मत करना। ये आपको गोल्ड माइंस के यूट्यूब के चैनल पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी।